हेलो व्यूअर्स, हमेशा की तरह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियोस पसंद आती हैं, वीडियो का मैटर अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, उसका नाम है मिक्सोलिमा, जो जनरली थायरॉइड ग्लैंड से रिलेटेड है, लेकिन यूजी और पीजी दोनों के ही सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड है थायरॉइड डिसऑर्डर्स के अंदर। और मिक्सोडिमा के जनरली जो है वो क्लिनिकल फीचर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो क्लिनिकल फीचर्स और इंट्रोडक्टरी पोर्शन में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। एक होता है मिक्सोडिमा, एक होता है क्रिटिनिज्म, तो एक वीडियो के अंदर आप मैं एक ही टॉपिक करूँगी, ठीक है। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी अबाउट मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा जैसे मैंने बताया कि कोज किस वजह से ये होता है, मिक्सोडिमा इज़ ड्यू टू लैक ऑफ सीवियर लैक ऑफ थायरॉइड डिसऑर्डर्स, थायरॉइड हार्मोन, सॉरी, ठीक है। मिक्सोडिमा इट इज़ ए थायरॉइड डिसऑर्डर एंड इट इज़ ड्यू टू सीवियर लैक ऑफ थायरॉइड हार्मोन्स। इसको जनरली नाम दिया गया है म्यूकस स्वेलिंग। म्यूकस स्वेलिंग क्यों नाम इसको दिया गया है, ये बताया गया है, ये माना गया है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट इंक्रीज इन वेट और बॉडी स्वेलिंग इज़ ड्यू टू ए न्यू फॉर्म ऑफ एडिमा, ठीक है। तो ये माना जाता है कि बॉडी के अंदर जो वेट गेन होता है, मिक्सोडिमा के अंदर जो भी वेट गेन होता है या फिर जो स्वेलिंग आई जाती है, वो एक बॉडी के अंदर एक नई तरीके का एडिमा डेवलप होता है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसकी वजह से इसको मिक्सोडिमा की जगह एक अलग नाम भी दिया गया है, जिसको बोला जाता है म्यूकस स्वेलिंग। जनरली ये किस में पाया जाता है, ये मिडल और ओल्ड एज के पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, एज़ कम्पेयर टू मैन ये वुमेंस के अंदर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्टरी पोर्शन, क्योंकि 5 नंबर में आपको हल्का फुल्का इसके बारे में बताना पड़ेगा। अब मेन आता है इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक तो पॉइंट मैंने ऊपर ही आपको बताया है, फर्स्ट इज़ वेट गेन होता है इसके अंदर पेशेंट को। अगर पेशेंट का वेट गेन होगा तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट के अंदर लिथार्जीनेस आएगी, वो चाहे मेंटल हो या फिर फिजिकल हो। लिथार्जीनेस का मतलब क्या हो है, क्या है लिथार्जिनेस का मतलब होता है कि पेशेंट की जो जनरल कैपेसिटी होती है वर्किंग की, वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आपका वो आलसपना जो होता है वो आपका बढ़ जाता है, तो फर्स्ट इज़ जो एक्टिवनेस होती है वो आपकी कम हो जाती है। टायर्डनेस बंदा फील करता है, वीकनेस बंदा फील करता है, एनोरेक्सिया यानी कि खाने में रुचि बंदे की जो भी पेशेंट है उसकी कम हो जाती है। अच्छा, एक वर्ड यूज़ होता है, हम उसको बोलते हैं मिक्सोडिमा कोमा, ठीक है। मिक्सोडिमा कोमा हम किसको बोलते हैं, अगर आपको सीवियर, अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया कि हॉर्मोनल जो कमी है वो इसमें सीवियर केसेस में ही आपको मिक्सोडिमा कोज होता है, लेकिन अगर मतलब मान लो सेकंड और थर्ड स्टेज में अगर पेशेंट आ गया है तो उसको एक नाम दिया गया है। फर्स्ट डेवलप होता है मिक्सोडिमा डेलीरियम, नेक्स्ट इज मिक्सो, अगर और भी ज़्यादा आपको कंडीशन पेशेंट की खराब होती है तो हम उसको बोल सकते हैं मिक्सोडिमा कोमा, ठीक है। तो ये दो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कार्डियक पेशेंट भी है, अगर पेशेंट को थायराइड के साथ साथ अगर कार्डियक प्रॉब्लम भी है तो उस पेशेंट के अंदर आपको क्या मिल सकता है, आपको हो सकता है एंकल स्वेलिंग मिल सकती है उस पेशेंट में, ब्रेथलेसनेस की कंडीशन आपको डेवलप हो सकती है उस केस में। पेशेंट के जो हाथ आपके होंगे, जो हाथ होंगे वो बहुत ही पफी यानी कि फूले फूले से होंगे, ठीक है, और स्पेट लाइक होंगे, ठीक है। तो ये आपके क्लिनिकल साइंस में आते हैं, आप देख के ही बता सकते हैं। ये आपकी जो आउटर आईब्रोज की आउटर 1/3 जो ये आईब्रोज होती हैं वो पेशेंट की जनरली फॉल आउट होने लग जाती हैं, गिरने लग जाती हैं। आईलिड्स जो होती हैं वो क्या होंगी, हैवी हो जाएंगी, मोटी हो जाएंगी, ठीक है। और पेशेंट जिसकी वजह से आपको क्या लगेगा, पेशेंट आपको हमेशा स्लीपी सा आपको फील होगा, लिथार्जीनेस उसके अंदर ज़्यादा भी लगेगी और हमेशा आपको लगेगा स्लीपी आपको पेशेंट लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम है। नेक्स्ट अगर आप देखना मतलब जैसे आप हिस्ट्री लेंगे, मान लो फीमेल है, अगर उसकी हिस्ट्री मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे तो आपको जनरली उसमें मिनोरेजिया की कंप्लेन आपको जो भी फीमेल है वो देगी, ठीक है। और
बाकी जीआईटी से रिलेटेड आपको पेशेंट जो है वो आपको कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री आपकी, मतलब जनरली जो पेशेंट है वो 70-80% केसेस में आपको कॉन्स्टिपेशन की वो हिस्ट्री देगा। इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को हेलुसिनेशन भी डेवलप होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी कि पेशेंट को जो है हेलुसिनेशन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट जो एक साइन है वो इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को जब आप जब भी पेशेंट आपके अंदर आपके क्लिनिक में आता है तो जब आप उसको देखते हैं तो उसमें क्या आप जब एग्जामिन करेंगे तो आपको जो यह हमारी क्लेविकल है, क्लेविकल मतलब सुप्रा क्लेविकल जो फोसा होता है वहाँ पे नेक के पीछे और शोल्डर पे आपको जनरली मास जो है जो फैट फैट का जो पोर्शन है वो इन तीनों पोर्शन पे आपको एज कम्पेयर टू अदर्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। और आप जो पेशेंट के हेयर्स हैं वो बहुत ही थिन हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे पेशेंट के जिस पेशेंट को मिक्सोडिमा होगा बहुत ही थिन हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, ठीक है, और रफ रफ आपको अलग से दिखाई देंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, स्किन जब आप उस पेशेंट की देखेंगे तो स्किन जो है वो भी आपको काफ़ी ड्राई मिलेगी, और जो एक हमारी जो स्किन की इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिसिटी एज कम्पेयर टू अदर्स इस जो मिक्सोडिमा का पेशेंट होगा उसमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आप पेशेंट का पिटिंग पिटिंग एडिमा वगैरह चेक करेंगे, फिटनेस जो होती है जनरली बॉडी की, जब हम फिटनेस क्या होता है जब भी हम किसी भी चीज़ के ऊपर ऐसे प्रेशर डालते हैं तो हमारी स्किन जो है वो अंदर चली जाती है, ठीक है, और कुछ कुछ सेकंड के बाद वो दोबारा अपनी पोजिशन को रिगेन करती है। तो मिक्सोडिमा के पेशेंट को अगर आप ये करके देखेंगे तो उसमें जनरली ये जो पिटिंग होती है ये एबसेंट में होती है या तो या फिर बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ये आपके अच्छा जो स्किन जो आपकी होगी, अगर मान लो कोई कोई ऐसी पेशेंट है जिसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, ठीक है, और उसको ये प्रॉब्लम है तो उसका आपको कलर कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस मिलेगा। उसका जो कलर है वो आपको पेल येलो और क्रीमी क्रीमी और पेल येलो कलर आपका उस पेशेंट का देखने को मिलेगा। मतलब उसकी जो स्किन है उसका टेक्सचर आपको इस तरीके का, उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट को जनरली जब भी आप इसकी पल्स रेट चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको ब्रैडीकार्डिया मिल सकता है। मतलब पल्स रेट आपकी यही 40-60 के बीच में आपको आपकी ये मिलेगी। पेशेंट की जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो आप आवाज़ में कहते हैं ना कि आवाज़ में भी चेंज हो गया, तो इस केस में पेशेंट की जो आवाज़ होगी वो काफ़ी डीप होगी और होर्सनेस मतलब रफ रफ सी आवाज़ हो जाएगी, ठीक है, और काफ़ी डीपनेस आ जाएगी उसकी आवाज़ के अंदर। तो ये और जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी मतलब जो एक्टिविटी हैं वो उनके अंदर कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट के अंदर इस केस में लिथार्जनेस बढ़ती है, ठीक है, पेशेंट आपको हमेशा थका थका हुआ सा महसूस होगा। तो ये ऐसे कुछ सिम्टम थे जो आपको मिक्सोडिमा के पेशेंट के अंदर जनरली देखने को मिलती ही है। तो ये आपको ये एक तरीके से कुछ जो साइंस हैं, जैसे मैंने ये तीन रीजन्स का फैट का बताया है, स्पेड लाइक फिंगर्स बताई हैं आपकी, ठीक है, पफिनेस ऑफ हेड बताया, हैंड बताए हैं, ब्रैडीकार्डिया की सिचुएशन। ये कुछ जो टूल्स हैं ये आप डायग्नोस्टिक टूल्स के अंदर भी डाल सकते हैं और क्लिनिकल फीचर्स के अंदर भी डाल सकते हैं। बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर जो TSH हार्मोन इसके अंदर मेन रहेगा ही रहेगा, बाकी जनरल इन्वेस्टिगेशन के साथ तो उसमें आपको इसकी जो भी डायग्नोसिस है वो आप क्लियर कट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।